चलो डालो सिर पे पानी का लोटा और बोलो हर हर गंगे। अरे दांत की आवाज नहीं आई ना तो हम मानेंगे क्या कि हुआ है सुबह सुबह का स्नान? दुर्गा माँ का नाम लेकर डाल लेती हूँ पानी का लोटा सर पर। शुभारंभ है बहू आज से तुम्हारा इस घर की गृह लक्ष्मी बनने का। चलो पुष्प अर्पित करो। बहू पुष्प अर्पण करो। चलो प्रसाद चढ़ाओ। नींद का समय नहीं है ये, जागने का समय है। बहुत सो लिया, अब कुशल गृहिणी बनना है तो जाग जाओ। अरे अरे कहाँ जा रही हो? आपने तो कहा भाग जाओ। हमने कहा जाग जाओ। हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनो। सुना? अब हम दुर्गा आरती, विष्णु आरती, शिव आरती और फिर तुलसी की आरती करेंगे, ठीक है? पर काका ससुर जी, भगवान अगर एक है तो इतनी सारी आरतियाँ और इतने सारे भगवान क्यों? सवाल पूछे बिना तुम्हारा एक भी दिन शुरू नहीं होता क्या? नहीं, रसगुल्ला खाकर भी दिन शुरू हो जाता है मेरा काका ससुर जी। फिर खाने पीने की बात? अभी कोई खाने पीने की बात नहीं करनी है बहू। अरे खुद पर जरा भी संयम है कि नहीं? पहले पूजा फिर काम दूजा। हाँ भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेकों अनेक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों ये नहीं बताया था माने तुम्हारी? बताया था पर तब भी मैंने यही कहा था कि भगवान एक है और आरती भी एक ही होनी चाहिए। क्यों अलग अलग में कोई समस्या है क्या? समस्या मेरे लिए नहीं भगवान के लिए हो सकती है काका ससुर जी। अब आप ही बताइए, अगर अलग अलग भगवान मदद के लिए पुकारूंगी मैं तो भगवान जी असमंजस में पड़ सकते हैं ना? भगवान जी असमंजस में कैसे पड़ जाएंगे? यही असमंजस कि कौन से भगवान जी आएंगे पंडिता की मदद के लिए। दुर्गा माँ सोचेंगे कि विष्णु भगवान रक्षा करेंगे, विष्णु भगवान सोचेंगे कि शिव भगवान करेंगे और शिव भगवान सोचेंगे लक्ष्मी माँ करेगी। और ये सोच तुम ही हो क्या जिसका ख्याल रखना है भगवान को? अरे पूरे विश्व का ध्यान रखना पड़ता है उनको, इसलिए जब जो जिस रूप में उनको बुलाता है वो उस रूप में प्रकट हो जाते हैं उसकी मदद के लिए। इसलिए तुम वही करो जो हम कह रहे हैं, सुना? वैसे अब तो मैं खुद ही असमंजस में पड़ गया हूं। बहुत सारे भगवान दिख रहे हैं क्या आपको काका ससुर जी? नहीं
तुम्हारे पति बाबू दिख गए हैं सुबह सुबह मंदिर में आरती के समय, बजाय अपने वो अंग्रेजी क्लब में खेलने के यहाँ मंदिर में। लगता है देवी माँ ने सद्बुद्धि दे दी है तुम्हारे पति बाबू को, है? चलो आए हो तो अब कम से कम एक पुष्प हाथ में उठा लो। बोंदिता, काका जो समझा रहे हैं ना उसे अच्छे से समझना, सारी आरतियां करना, दुर्गा जी की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की, पर सरस्वती आरती ना बोंदिता वो जरूर करना, और काका से सीख भी लेना सरस्वती आरती। सरस्वती आरती क्यों? ज्ञान और विद्या की देवी होती है सरस्वती माँ, तुम्हें ज्ञान और विद्या दोनों मिले इसीलिए। हाँ बोंदिता, और ज्ञान और विद्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी भी है ना, आज से तुम्हारा और विद्या का रिश्ता शुरू होने वाला है। मास्टर जी जो आने वाले हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। फूल फूल रखो वापस, फूल रख वापस, वापस रख। तो तुम यहां अपने स्वार्थ के लिए आए थे सुबह सुबह मंदिर में, और हम मूर्ख समझ रहे थे कि नहीं नहीं पूजा के लिए आया है अनिरुद्ध। अरे ये ज्ञान सिर्फ विद्यालय की किताबों में मिलता है क्या? हमारे हमारे धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलता है? मिलता है काका, बल्कि हमारे ग्रंथों में ज्ञान भरा पड़ा है, पर उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए पढ़ाई तो आनी चाहिए ना काका। अब बोंदिता पढ़ना सीखेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कैसे, क्या लिखा है ग्रंथों में कैसे समझेगी? और काका, शिक्षा किसी पूजा से कम है क्या? क्यों बोंदिता? कितनी नींद आ रही है मुझे, पर काका ससुर जी और बिरिस्तरा बाबू है कि बहस किए जा रहे हैं। पूजा के शुभ समय में ऐसी अशुद्ध बातें करना जरूरी है अनिरुद्ध? हमारी हमारी बहू के पावन मन में ऐसी अशुद्धि वाले ख्याल डालना सही है? अशुद्धि? याद रखो अनिरुद्ध, बहू के लिए इस समय कुशल गृहिणी बनना ही सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए तुम अपनी बेकार की बातों से बहू की राह का बाधा बनने की कोशिश मत करो। बहू चलो हम लोग आरती शुरू करते हैं, आ जाओ। बाधा किस बात? पढ़ाई लिखाई जरूरी है क्या? अनिरुद्ध, क्या हुआ? चोरों की तरह क्यों बुला रही हो मिनी? दोस्त हो तुम मेरी, सबके सामने बुला सकती हो मुझे। चोर नहीं हूँ, सबके सामने थोड़ी चोरी करूंगी। अच्छा तो किसे चुराने आई हो? तुमसे जरूरी है क्या मेरे लिए कोई? इसीलिए तुम्हें बोंदिता से चुराने आई हूं। शक्ल देखो अपनी, पूरा रंग उड़ गया। मैं तुम्हें चोर नहीं लगती हूँ? नहीं, वो तुमने ऐसे कहा तो। अरे मैं तो ये कहने आई थी कि हमारे टेनिस का मैच बचा है। अच्छा तो तुम चोरनी नहीं शातिर खिलाड़ी बनकर आई थी, तुम्हें क्या लगा? जानता नहीं मैं क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। देखा कैसे चेहरे का रंग उड़ गया तुम्हारा।
जानता हूं मैंने, मेरी तरह तुम्हें भी जीतने की आदत है, पर अब एक दो दिन नहीं आ पाऊंगा। वो बॉन्दता के लिए मास्टर जी आने वाले हैं, उनके साथ पढ़ना लिखना सीख ले, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी, फिर जरूर आऊंगा और जीतूंगा भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बॉन्दता को तुम्हारी जरूरत होगी। वैसे मैं ये भी कहने आई थी कि मैं बेकिंग करना सीख रही हूँ, इसलिए आज मैंने पहली बार अपने हाथों से काजू कुकीज बनाए। तुम्हारे पास चखने का तो टाइम होगा ना? फिर से क्यों मिनी? याद है ना 10 साल पहले जो तुमने हलवा बनाने की कोशिश की थी, किसी विज्ञान की प्रयोगशाला की तरह प्रयोग हुआ था मुझ पे वो हलवे का। मैं अपने आप पर दोबारा कोई प्रयोग नहीं करवाना चाहता मिनी। अच्छा, 10 साल पहले की बात याद है तुम्हें? हाँ, और आने वाले 10 साल तक भी याद रहेगी मिनी। वो जला हुआ हलवा मैंने खाया था, तुमने सिर्फ बनाया था या कुकीज की। और उसको बनाने में जो मेरा हाथ जला था वो याद नहीं है तुम्हें? और तुम्ही ने वादा किया था कि मेरी हर गलती में मेरा साथ दोगे तुम। अब दोस्ती की ये रीत तो निभानी पड़ेगी, तो चलो मेरे साथ और मिनी के हाथ के बने कुकीज चक्कर बताओ कैसे बने। तो क्या है ना, बाबा की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकती। अच्छा, बाबा की जान खतरे में नहीं डाल सकती अनिरुद्ध? ठीक है, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, चलें। अब मिनी ठीक हो ना तुम? देख के चलना चाहिए ना मिनी, दीवार है सामने। दीवार दिखी नहीं मुझे। ठीक हूँ मैं अनिरुद्ध, चिंता मत करो मेरी, शायद नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो थकान के मारे थोड़ा आराम कर लूंगी ना, तो ठीक लगेगा। मैं कोयले के हाथों तुम्हारे लिए कुकीज भिजवा दूंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मेरी आंख में लग गई और मैं अंधी हो गई हूँ। मिनी, मिनी दोबारा ऐसी बेकार की बात मत करना प्लीज। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी, अब जाऊं। संभाल। काफी खतरनाक योजना बनाई है सुदामिनी। भले हमारा विवाह ना हुआ पर उसे पहले की तरह मेरी थोड़ी तो चिंता होती होगी, उसकी इसी ही चिंता का फायदा उठाना पड़ेगा। इस योजना की शुरुआत ही इतनी अच्छी है, लगता है सुदामिनी और अनिरुद्ध की विवाह की तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। जिस चेहरे पर शिकन नहीं आने दी कभी मैंने, उस चेहरे पर चोट लिया है तुम्हारे लिए अनिरुद्ध। अब इसकी कीमत तो तुम्हें पाकर ही वसूल करूंगी। तैयार हो जाओ, 10 दिन बाद होगा हमारा विवाह। इश्श।
पिता ने जो कुछ बाहर कहा वो तुमने उसे सिखाया था? हाँ। औदी की वजह से मुझे थप्पड़ मारने वाले थे दादा, इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं बौद्धी को। बहू पहले ही दिन इतना बड़ा अनिष्ट। सामान उठाओ जल्दी से, अगर किसी का पाँव पड़ गया तो हम और बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। उठाओ उठाओ। माँ की मूर्ति पे भी सिंदूर लगा है, वो भी हटाओ। देवी माँ की पवित्र चुनर फट गई, आसमान से माँ के गुस्से की बिजली गिरेगी, ज्वाला दहकेगी उनकी आंखों से, न जाने क्या क्या दंड दे दे माँ। माँ क्षमा कर देना माँ, मुझसे अनर्थ हो गया तुगा माँ, क्षमा करना। सही कहा था सुरमणि माँ ने, पेट में बच्चा है इसीलिए तो पेट भर रहा है इतना। संपूर्णा, अरे अब फिर से कमरे में आ गए, मना किया था ना मैंने आपको। देखिए मुझे छूना नहीं है, अगर आप छूओगे ना तो मैं सुरमणि माँ और बीराज माँ को बता दूंगी। शक्ति नहीं छूंगा मैं तो, बस तुम्हें ये किताब देने आया था। आपको तो पता है ना मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ पर देखना तो आता है ना, इसमें ना चित्र है और
उस चित्र को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या समझना जरूरी है? यही कि नहीं हो तुम पेट से, मतलब जब तक हमारे बीच में ऐसा कुछ। देखिए, आपने अगर एक बार और ऐसी अपशगुन वाली बातें कही ना, तो मैं बाहर जाके बता दूंगी। कैसे खराब बातें आप मेरे दिमाग में डाल रहे हो? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपको परवाह नहीं है क्या मेरी और हमारे बच्चे की? परवाह है संपूर्णा, परवाह है, इसीलिए तो कहता हूँ, समझो मेरी बात। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें? समझना मुझे नहीं, समझना आपको है, भगवान का देन है ये बच्चा। अच्छा तो ये समझ लो कि ये किताब भगवान ने भेजी है ताकि थोड़ी बुद्धि मिल जाए तुम्हें, क्योंकि अब भगवान ही समझा सकते हैं तुम्हें। तो ये भगवान की किताब है? इसमें शर्माना कैसा सौरभ, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी किताबें सब तक पहुँचें, सब पढ़ें ऐसे विषयों के बारे में। न जाने क्यों हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना तो दूर, लोग बातें भी नहीं करना चाहते। जो समझना है समझ लो, लेकिन ये किताब जरूर एक बार देख लो, ठीक है? बहू, दूध पीने आ जा। आई, पता नहीं कब देखेगी ये किताब और कब इसे समझ में आएगा। देवी माँ की चुनर फट गई, ठीक नहीं हुआ ये, बहुत पाप लगेगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। काका काका, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नई चुनर आ जाएगी ना, चिंता मत करिए, प्लीज परेशान मत होइए। अरे दादा, क्यों परेशान नहीं होंगे काका, आरती की थाली गिरा दी है वंदिता बौद्धी ने, सब बिखेर नहीं दिए यहाँ पे, और पूजा में नींद के झोंके नहीं ले रही थी वंदिता बौद्धी। सोम, इसमें वंदिता की कोई गलती नहीं, उसे रोज इतना जल्दी उठने की आदत ही नहीं है, समझे तुम? अब अचानक से उसे सुबह जल्दी उठा दिया जाएगा तो नींद के झोंके आएंगे ही ना, आखिर बच्ची है वो। काका, अनिरुद्ध ठीक कह रहा है, बहू की कोई गलती नहीं है। बात यह नहीं है कि बहू पहली बार आरती कर रही है, बात यह है कि चुनरी फट जाने का मतलब यह है कि मां, देवी मां हमें कुछ संकेत दे रही है, हमें कुछ बताना चाह रही है, संकेत दे दे के कुछ जता रही है। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मां संग क्या बताना चाह रही होंगी मां? अरे नहीं, सिर्फ कह नहीं रही है, चेतावनी दे रही है मां। देवी मां खुश नहीं है, मतलब इस घर में जो कुछ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है, ये देवी मां का प्रकोप है। मां का प्रकोप? और क्यों मां का प्रकोप आया है? तुम्हारी इज्जत के अलावा और कोई कारण हो सकता है क्या अनिरुद्ध? ये जो बहू को पढ़ाने की बात कर रहे हो, ये औरतों को सर्वनाश की राह की ओर ले जाना नहीं है तो और क्या है? औरतों की असली पढ़ाई लिखाई, घर का काम, पूजा पाठ, मंदिर रसोई, यही सब होता है कि नहीं? घर की बहू देवी माँ की पूजा करने की बजाय प्रसाद बनाने की जगह गले में तख्ती और कलम लेकर घूमने वाली है, ये क्या अच्छा लगेगा देवी माँ को? अरे घर मंदिर तब बनता है ना जब घर की बहू पूजा पाठ करे अपनी इच्छा से, अरे अपने मन से। पर नहीं, तुम ऐसा होने दोगे क्या? बजाय इसके कि बहू को तुम सिखाओ कि कुशल गृहिणी बनने के क्या क्या गुण होते हैं, तुम उसे काखा गागा सिखाने पे लगे हो। अरे इस ख से ये काम चोर, ख से खराब, और ग से ग्रह विनाशिनी नहीं बन जाएगी क्या? ग्रह विनाशिनी? अरे पढ़ा लिखा कर एक औरत को आदमी बनाने चले हो। अरे तो क्या देवी माँ आशीर्वाद देगी तुम्हें, श्राप नहीं देगी?
जब से सुरमणि माँ को पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कितनी बदल गई है वो। कितनी खुशी से मुझे दूध पिलाई, और वो भी भर भर के घी डाल के। और ये भी कहा उन्होंने कि बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा इससे। सच में इस बच्चे के आने की खुशी में सब कुछ कितना बदल गया है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। तो ये बच्चा जब आएगा तो सुरमणि माँ तो मुझे सर पे बिठा के रखेगी। चलो सही है, आखिर में संपूर्णा ने किताब तो उठाई, अब कुछ तो अकल आएगी उसे। बहू, अब अरे ये तुम्हारे हाथों में कौन सी किताब है? जी वो उन्होंने दी है मुझे। बहू, क्या छोटे मालिक के साथ रहकर सौरभ तुम्हें पढ़ाने का नहीं सोच रहा है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी किताब है और इसमें बहुत सारे चित्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे चित्र देखने चाहिए जब औरत पहली बार पेट से होती है। विराजमान सुरमणि माँ, आप दोनों भी मिलके देखो ना मेरे साथ ये चित्र अब। और इसके बाद मुझे कथा भी सुनाना। मैंने सुना है कि इस समय पे कथा सुनना अच्छा होता है। हे भगवान, ये क्या बोले जा रही है संपूर्णा? अगर विराजमान और सुरमणि माँ ने किताब देख ली तो क्या करूं? माँ, देखो ना क्या हुआ। क्या हुआ? देखो ना, पूरी स्याही गिर गई मुझ पर। ध्यान कहाँ था तेरा? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ, तू नहा लेना। हाँ विराज, इसके लिए दूसरे कपड़े निकाल दो। तो रुक, मैं कपड़े लेकर आती। कैसे हुआ ये, दिखाइए। तू पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? ये किताब तुम माँ के साथ नहीं देख सकती, तुम्हारे लिए लाया था, बताया था ना तुम्हें। क्यों, अच्छी किताब है ना ये? और आपने तो कहा था इसमें अच्छे अच्छे चित्र है, तो माँ के साथ देखने में क्या समस्या है? और माँ ने कहा इसके बाद वो मुझे कथा भी सुनाएगी। संपूर्णा, पहले तुम ये किताब देख लो, तुम्हें कथा सुननी है ना, मैं सुना दूंगा, ठीक है? काका, मेरी बस अनिरुद्ध, बस। हर बार तुम्हें दूसरों के विश्वास के ऊपर ही प्रश्न खड़े करने होते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार सब सही, बाकी सब गलत। बैरिस्टर होना, अगर गलत है तो साबित कर कर दिखा। बिनॉय, तुम रहने दो। अरे ये क्या समझेंगे पाप पुण्य, विलायती पर्दा है। पर मैं मनाऊंगा देवी माँ को, मैं करूंगा सब ठीक। एक बात ना, तुम कान खोल कर सुन लो, बहू को पढ़ाने इस हवेली में कोई मास्टर नहीं आएगा। काका मैं, और इसे हमारा सुझाव नहीं आदेश समझना। हाँ काका मैं, हमें पता है, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि ये सब देवी माँ का प्रकोप नहीं है? नहीं नहीं काका, मेरी बात सुन। तो क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ बता रहा हूँ काका, मैं ये कह रहा हूँ कि देवी माँ का प्रकोप ही होगा। आपको जैसा लग रहा है ना, हम मान लेते हैं कि देवी का प्रकोप ही है, पर अब हमें प्रकोप को दूर कर देना चाहिए ना। उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। क्यों? पढ़ाई लिखाई से ज्यादा धर्म और संस्कारों की चिंता कर रहा है। ये सुर कैसे बदल गए अचानक अनिरुद्ध के? देवी माँ की चुनर बोंदता के हाथों फटी है ना? हाँ। तो बोंदता ही माँ के लिए नई चुनर लाएगी। तुम खुद बाजार जाओगी और माँ के चुनर के सारे आओगी और चूनर वैसे ही बनाओगी जैसे पहली थी।
समझी? क्यों काका? हाँ सुना वंदिता, काका गलती जिसने की है भुगतान भी उसे ही करना चाहिए ना। बिल्कुल सही। बहू तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त बिहारी के साथ बाजार जाओ और नई चुनर बनाने के लिए सामान लेकर आओ, पैसे ले जाओ। ये लो 2 रुपए। और सुनो, वहां बाजार में जाके रसगुल्ला खाने मत लग जाना, देवी मां की चुनर के लिए सब बढ़िया सामान लाना, ठीक है? ये बिरिस्ता बापू ने कहां फंसा दिया मुझे, जाने मुझे परेशान करने की अब क्या नई तरकीब चल रही है दिमाग में इनके। अब सब समझेंगे मेरी बात। शुक्रिया बोंदता की दुग्गा माँ, मैं साबित करके रहूंगा कि क्यों जरूरी है पढ़ाई लिखाई बोंदता के लिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.